और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त युवा दिवस कार्यक्रम में कुछ बोल रहे हैं, आइए सीधा लिए चलते हैं आपको। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो, किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है? स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल रहा है, बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है, और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने भी प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से, और प्रेम कैसा करते हैं आदिवासी वनवासी, यहां तक कि भगवान हनुमान जी क्या हैं, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर, चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय, जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे, तब तक हमको दकियानुषी हे दृष्टि से, नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपने भगवा वेशभाषा वेशभूषा में, और अपना भातृत्व जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते, हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं, अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है, अंकल आंटी से काम चला लेती है, हमारे रिश्तेदार मामा चाचा ताऊ बुआ भतीजे अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं, अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें, जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो उसका हम क्या करें, हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग, उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है, और वो कदम कदम पे दिखाई देती है, स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिनने कोविड के कठिन काल के अंदर ना केवल अपने यहां दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवंतु सुखिना का जो संदेश दिया है वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को, जिस काम को लगाते हाथ वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है, अभी लक्षद्वीप में गए थे, समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा, बिना बोले बिना कोई शिकायत किए। इस सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखे, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से, कैसे लोग चाहिए, ऐसे ही तो लोग चाहिए, जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है, वैज्ञानिक निराश होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते, कोई बात नहीं आगे प्रयास करो, तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है। हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से, रक्षा से, सुरक्षा से, जिस जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है, वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के
जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए। ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से जो प्रबंधन हमारे अपने मंत्रालय ने किए हैं, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई बाल बराबर भी कमी आपके लिए नहीं रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कोई भी प्रकार का आपका खेलकूद विभाग के माध्यम से प्रस्ताव आएगा, अक्षर से उसको मानेंगे और आपके माध्यम से मान के चलेंगे। ना केवल मध्य प्रदेश सबसे आगे जाएगा बल्कि भारत को और आगे आप ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। जिन जिन आज विद्यार्थियों को, युवाओं को सम्मानित किया, खिलाड़ियों को, मैं उनके प्रति भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और जितने भी प्रकार से आगे भी आने वाली संभावना बैठी है उन सबके भी प्रति शुभकामना देता हूं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमने खेलने को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। खेलकूद के लिए भी आपको अब अलग से कोई एक्टिविटी के माध्यम से नहीं जानेंगे, और उसी प्रकार से खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक है वो सारे के सारे प्रशिक्षक सामान्य शिक्षक की तरह ही उनके प्रमोशन भी होंगे, उनका मान सम्मान भी उस रूप में जाना जाएगा। जो आमतौर पर उससे वो वंचित थे वो उसके बराबर माने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।